साइबर बुलिंग का शिकार आजकल कोई भी हो सकता है। क्या आम क्या खास, कोई भी साइबर क्रिमिनल्स के खतरनाक इरादों से बच नहीं पाता। इसी कड़ी में टीवी एक्ट्रेस विभूति ठाकुर साइबर बुलिंग का शिकार हुई है। इस बात का खुलासा खुद टीवी एक्ट्रेस ने अपने एक पोस्ट के जरिए किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब उनका फोन नंबर किसी ने ऑनलाइन लीक कर दिया। इसके बाद तो कई लोगों ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजते हुए सेक्सुअल फेवर मांगे। अपने पोस्ट में विभूति ने लिखा है कि मेरा इमोशनली रेप हुआ है, लेकिन मैं स्ट्रांग महिला हूँ। स्पिरिचुअलिटी की वजह से मेरा सब्र बंधा हुआ है। नंबर लीक होने के बाद से मैं इमोशनली और मेंटली तनाव झेल रही हूँ। इसे वो बुलिंग मानती है। एक्ट्रेस ने आगे बताया, कैसे भी करके मैंने एक कॉलर को कन्विंस किया कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला, जिसके बाद उसने मुझे बताया कि मेरा नंबर किसी रैंडम इंस्टाग्राम अकाउंट से लीक हुआ था। जिसके पास मेरा नंबर था उसने सभी से मुझे कॉल करने और सेक्स चैट करने के लिए पूछने को कहा था। ये बुलिंग ही है जिसने मुझे इमोशनली परेशान करके रखा है। एक्ट्रेस ने उस इंस्टा पेज का स्क्रीनशॉट भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और बताया है कि कैसे ये पेज उनका फ़ोन नंबर पब्लिकली सर्कुलेट कर रहा है। साथ ही सभी से उन्होंने इस अकाउंट के खिलाफ शिकायत करने की अपील भी की है। बता दें कि एक्ट्रेस ने इस मामले को लेकर साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज की है। विभूति ने कहा है कि जिसने भी मेरा नंबर लीक किया है, मुझे उम्मीद है कि साइबर पुलिस उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।